नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम सुनने जा रहे हैं एक और नई कहानी जिसका नाम है छोटी लाल मुर्गी की कहानी। एक दिन की बात है, छोटी लाल मुर्गी खेत में घूम रही थी कि उसे मिट्टी पर पड़े गेहूं के बीज दिखाई पड़े, जिसे देखकर वह सोचने लगी, क्यों ना मैं भी इन बीजों को खेत में बो दूं। जब फसल होगी तो मैं भी गेहूं पिसवा लूंगी और उसकी रोटी बनाकर मजे से खाऊंगी। उसे आशा थी कि उसके दोस्त इस काम में उसकी सहायता अवश्य करेंगे। उसने गेहूं के दाने उठा लिए और सबसे पहले कुत्ते के पास पहुंची। उसने कुत्ते से कहा, दोस्त देखो, मुझे खेत में गेहूं के बीज मिले हैं, मैं इसे बोना चाहती हूँ, क्या तुम मेरी सहायता करोगे। कुत्ते उस समय आराम कर रहा था। उसने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे सोने का समय है और मुझे जोरों की नींद आ रही है, मैं अभी ये काम नहीं कर सकता। छोटी लाल मुर्गी बतख के पास पहुंची और उसने उससे पूछने लगी, दोस्त क्या तुम इन गेहूं को बोने में मेरी सहायता करोगी। बतख बोली, नहीं, देखो कितनी धूप है, मैं तो झुलस जाऊंगी, माफ करना, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती। तब छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास गई और उसे भी गेहूं के बीज दिखाकर पूछा, दोस्त कुत्ता और बतख तो मेरी सहायता नहीं कर रहे, क्या तुम मेरी सहायता करोगी। बिल्ली बोली, देखो इस समय तो मैं पड़ोस के घर में दूध पीने जा रही हूँ, इसलिए अभी तो मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकती, दूध नहीं मिला तो मैं भूखी रह जाऊंगी। दुखी होकर छोटी लाल मुर्गी बोली, कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाकर खेत में इन बोझों को बो देती हूँ। वह खेत में गई और कड़ी धूप में दिन भर मेहनत करके शाम को उसने सारे बीज बो दिए। समय बीता और गेहूं की फसल लहराने लगी, जिसे देख छोटी लाल मुर्गी बहुत खुश हुई और दौड़कर सबसे अपने कुत्ते के पास पहुंची और उसने कुत्ते से पूछा, दोस्त खेत में फसल लहला रही है, क्या तुम फसल काटने में मेरी मदद करोगे। नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं, कुत्ते ने कनी काट ली। छोटी लाल मुर्गी बतख के पास पहुंची और उसे सहायता करने के लिए कहा तो वह बोली, देखो तो रही हूँ मैं, कितनी छोटी सी हूँ, मैं कैसे खेत में फसल काटूंगी, माफ करना, मुझसे ना हो पाएगा। छोटी लाल मुर्गी बिल्ली के पास पहुंची जो नहा कर आई थी और धूप में बैठी थी। छोटी लाल मुर्गी ने उससे फसल काटने में सहायता मांगी तो वह बितक कर बोली, नहीं मैं ये काम नहीं करूंगी, मैं अभी अभी नहा कर आई हूँ, मैं वहां धूल मिट्टी में गंदी हो जाऊंगी। छोटी लाल मुर्गी दुखी होकर वहां से चली गई और सीधे खेत में पहुंची। वहां उसने अकेले ही फसल काटी। अगले दिन उसने सोचा कि क्यों ना इन गेहूं को मैं पिसवा लूं, आटा रोटी बनाने के काम में आएगा। वह फिर कुत्ते के पास पहुंची और कहने लगी, दोस्त चलो ना मेरे साथ आटा चक्की तक, मुझे इन गेहूं को पिसवाना है। ऐसे काम के लिए मुझसे ना कहा करो, मैं इन सब कामों के लिए नहीं हूँ, कुत्ते ने दो टुक में जवाब दिया। छोटी लाल मुर्गी ने जब बतख से पूछा तो उसने भी वही बहाना बनाया, वह तो बहुत छोटी सी है, वह इतनी दूर आटे तक चक्की नहीं जा पाएगी। बिल्ली के पास जाकर जब छोटी लाल मुर्गी ने सहायता मांगी तो बिल्ली बोली, आटा चक्की से उड़ने वाले आटे से मेरे बाल खराब हो जाएंगे, मैं तो वहां नहीं जा सकती। दुखी होकर लाल मुर्गी अकेले ही आटा चक्की के गई और गेहूं को पिसवा कर वापस आई। अगले दिन उसने रोटी बनाने की सोची और अपने तीनों दोस्तों के पास पहुंची। तीनों खेत में खेल रहे थे। उसने पूछा, दोस्तों क्या तुम रोटी बनाने में मेरी मदद करोगे। नहीं, तीनों ने एक स्वर में बोला, हमें तो रोटी बनाना आता ही नहीं। छोटी लाल मुर्गी ने अकेले ही जाकर रोटी बनाई। जब गर्मा गर्म रोटियां तैयार हो गई तो वह कुत्ता बतख और बिल्ली के पास पहुंची। उन्हें रोटियां दिखाते हुए बोली, अब बताओ कि रोटियां कौन कौन खाएगा। हम, तीनों ने एक साथ स्वर में बोला। नहीं, मुर्गी बोली, इन रोटियों के लिए सारी मेहनत मैंने की है, इसलिए मैं ही सारी रोटियां खाऊंगी, और मजे से रोटियां खाने लगी। कुत्ता बतख और बिल्ली ने कोई मेहनत नहीं की थी, इसलिए वह बस छोटी लाल मुर्गी का मुंह देखते रह गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत से कभी नहीं जी चुराना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। मैं अगली बार आपसे फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। अगर आपको ऐसे ही कहानियाँ सुनती रहनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।